أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله. आज जो हमारे इमामों ने आज जो कुरान करीम पढ़ा है उनमें एक खास मजमून पढ़ा है वो मजमून ये है कि शैतान की दिलचस्पी इंसान को नंगा करने से शैतान की दिलचस्पी इंटरेस्ट शैतान की दिलचस्पी इंसान को नंगा करने से और इंसान की फितरत पर्दा करने की है. इंसान की फितरत में पर्दा करना है और शैतान की दिलचस्पी इंसान को नंगा करने चुनांचे अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालहु ने जो इंसान का नेचर बनाया है इंसान की फितरत बनाई है उस फितरत की तकमील के लिए अल्लाह ने साजो सामान पैदा किया है कि इंसान अपने फितरी तकाजे को पूरा कर सके शैतान के चक्कर में ना आए. ये है एक खास मजमून. फिर इस मजमून को सुनो. इंसान की दिल शैतान की दिलचस्पी इंसान को नंगा करने में वो हर कीमत पर इंसान को नंगा करना चाहता है और इंसान का नेचर अल्लाह ताला ने पर्दापोशी वाला बनाया है. इंसान अपने आप को छुपाना चाहता है पर्दा करना चाहता है और हर मखलूक का नेचर का जो तकाजा होता है वो उसके लिए साजो सामान पैदा करना ये रब्बुल आलमीन का काम है. चुनांचे अल्लाह ने भी ऐसे असबाब पैदा किए हैं जिससे इंसान अपनी फितरत के तकाजे को पूरा करे शैतान के चक्कर में ना आए. अल्लाह पाक जल्ला शानहु अम्मा नवालहु ने बात यहां से शुरू की है कि जब आदम अलैहिस्सलाम दादा हमारे और हमारी दादी दोनों इस जमीन पर पैदा किए गए फिर इस जमीन पर पैदा करके दोनों को आसमानों में उठाया गया और जन्नत में पहुंचाया गया और जन्नत में उनको बसाया गया और ये कहा कि इस जन्नत में से जो चाहो खाओ. एक पार्टिक्यूलर दरख्त के बारे में कहा इसे हाथ मत लगाइए. वो कौन सा दरख्त था मालूम नहीं. लोगों में मशहूर है गेहूं का पौधा. गेहूं के पौधे को अरबी में दरख्त नहीं कहते इसलिए ये बात तो गलत है.
गेहूं का जो पौधा होता है उसको अरबी में शजरतुन नहीं कहते, दरख्त नहीं कहते, और कुरान में बार बार शजरतुन लफ्ज आया है। खुला दरख्त पार्टी मुअय्यन दरख्त मत खाना, यानी उस दरख्त के फल मत खाना, तो गेहूं का पौधा तो मुराद हो नहीं सकता क्योंकि उसको अरबी में शजरा कहते ही नहीं। फिर अब दरख्त जिसको अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, और अरबी में जिसको शजरा कहते हैं, तो बेशुमार दरख्त हैं, कौन सा दरख्त मुराद है मालूम नहीं। कुरान करीम में और अहादीस शरीफा में इसकी तायीन नहीं की, और जो कुरान में और हदीसों में जिसकी तायीन नहीं की गई तो कोई आदमी अपनी अकल से मुतायन नहीं कर सकता। बहरहाल हमें मुतायन करके करना क्या है, बात चीजें मुतायन न करने में फायदा होता है। जैसे शबे कद्र कौन सी रात है मुतायन नहीं की गई, उसमें फायदा है कि रमजान की हर रात में बंदा इबादत करेगा ये ख्याल करके कि शायद आज ही की रात शबे कद्र हो, तो मुबहम रखने में फायदा है। इसी तरह से अगर ये शजरा मुतायन कर दिया जाता तो बेचारा दुनिया में वो दरख्त बदनाम हो जाता, कोई हाथ ही न लगाता। ये दरख्त है जिसकी वजह से हमारे दादा को जन्नत से निकलना पड़ा है, या जैसे हाथ मत लगाओ तो बेचारा वो दरख्त बदनाम होकर रह जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में उस दरख्त की कोई तायीन की नहीं। अब कौन सा दरख्त मालूम नहीं। बहरहाल अल्लाह ने दादा दादी को जन्नत में बसाया और एक मुअय्यन दरख्त के बारे में कहा कि इसे तो न खाइयो, बाकी पूरी जन्नत में से जो चाहो खाओ। अब शैतान आता है, शैतान पहले आसमानों के ऊपर तक जाता है, फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को चकमा दिया उसने, तो आदम अलैहिस्सलाम भी जमीन पर उतारे गए, दादी हवा भी उतारी गई, और शैतान का दाखला भी आसमानों पर बंद कर दिया गया। लेकिन आसमान के करीब तक जिन्नात और शयातीन अब भी जाते थे। जब कुरान करीम का नुजूल शुरू हुआ तो उनका आसमानों के करीब जाना भी बंद कर दिया। बहरहाल ये उस जमाने की बात है जब इंसान भी जन्नत में है, दादा दादी भी जन्नत में है, और शैतान भी वहां तक पहुंचता है। उसने दोनों के दिलों में वसवसा डाला, फवस ये आयत सुनने की है, फवसवस लहुम शैतान, शैतान ने दादा दादी दोनों के दिलों में वसवसा डाला। उसके वसवसा डालने में मकसद क्या था, पेश नजर उसके क्या था, वसवसा लहुम शैतान लियुब्दिय लहुमा मा वुरिय मिन सौआतिहिमा, पेश नजर उस कमबख्त के ये था कि दादा दादी को जन्नत में नंगा कर। मालूम हुआ कि इंसान की दिलचस्पी वो अस्तग़फ़िर, शैतान की पूरी दिलचस्पी इंसान को नंगा करने से। तो कुरान ने लाम इस्तेमाल किया, फवसवसा लहुमा ले युब्दिया मा वुरिया मिन सौआतिहिमा, उसने वसवसा दोनों के दिलों में डाला है, और मकसद उसके पीछे नजर ये था कि दोनों को नंगा कर दिया। मगर कहा क्या कि उसने ये नहीं कहा, कहा क्या, वसवसा क्या डाला, फवसवसा लहुमा लियुब्दिया लहुमा मा वुरिया मिन सौआतिहिमा قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين। कहा क्या, कहा आदम जानते हो तुम सारी जन्नत अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी, जहां से खाना हो खाओ, इस मुअय्यन दरख्त से क्यों मना किया है तुम जानते हो। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मुझे क्या जानने की जरूरत है, शरीयत का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मुझे पालन करना है, मुझे जानने की क्या जरूरत है। देखो यूरोप और अमेरिका में बहुत से मुसलमानों का ये गलत जहन बना हुआ है कि शरीयत के हुक्म का रीजन हमें मालूम होगा तो हम अमल करेंगे, और रीजन मालूम नहीं होगा तो हम अमल नहीं करेंगे।
ये गलत जहन है। हाँ ये तो इख्तियार है आपको कि ये हुक्म जो आप मौलाना साहब बता रहे हैं ये कुरान और हदीस और फिका में है या नहीं है, है तो बस काफी है, उसका रीजन हम मालूम हो या न हो उस पर अमल करना है। क्यों? हर मसले की वजह हर आलिम नहीं समझा सकता और हर मसले की वजह हर मुसलमान नहीं समझ सकता। हर मुसलमान का दीनी जहन इतना नहीं है कि हर मसले की इल्लत और रीजन समझे और हर आलिम भी इस पानी इतने पानी में नहीं होता है कि हर मसले की इल्लत समझाए। अब आप तय करके बैठे हैं कि मुझे मसले का रीजन कोई समझाएगा तो मैं अमल करूंगा वरना नहीं करूंगा, ये जहन गलत है। क्यों? ऐसा आलिम कोई इत्तेफाक नहीं मिलता है जो हर मसले का रीजन समझाए, और ऐसा आदमी तो कोई कोई होता है कि जो हर मसले का रीजन समझ सके, उसके लेवल उसके जो जहन का जहनीयत इस दर्जे की हो। बहरहाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मुझे नहीं मालूम क्यों मना किया है, मुझे तो मना किया कि दरत नमत खाना मैं नहीं खाता। उसने कहा मैं बताऊं, ये दरख्त ऐसा है कि जो इसको खाता है वो फरिश्ता बन जाता है और तुम्हें अल्लाह पाक जन्नत से गेट आउट करने वाले हैं, और फरिश्ते बन जाओ फिर तो तुम जन्नत से निकाले नहीं जा सकते। और अगर फरिश्ते नहीं बनोगे इंसान ही रहोगे तो अभी अमर, जन्नत से निकलोगे नहीं कभी, हमेशा जन्नत में रहने वाले हो जाओगे। ये दरख्त अमर दरख्त है, जो इस दरख्त को खा लेता है वो जन्नत में हमेशा रह पड़ता है। और अल्लाह तुम्हें जन्नत में रखने वाले नहीं है, तुम्हारे पैदा होने से पहले अल्लाह ने फरिश्तों के सामने ये बात डिक्लेयर की है कि मैं जमीन में अपना डिप्यूटी बनाना चाहता हूं। वो तुम ही बनाए गए हो जमीन में डिप्यूटी, तुम्हें गेट आउट करेंगे जन्नत से और जमीन पर भेजेंगे। और ये दरख्त ऐसा दरख्त है कि अगर इसे खा लो तो या तो फरिश्ते बन जाओगे, या फरिश्ते नहीं बनोगे तो कम से कम अमर हो जाओगे, यानी यहां से टलोगे नहीं, जन्नत से निकले नहीं जाओगे, इसलिए तुम्हें मना किया। तो कहा तो उसने हाथी के दिखाने के दांत तो ये हैं मगर ये खाने के नहीं है, खाने के दांत अलग है। कह तो रहा है वो ये, और हकीकत में क्या है? वसवसा लहुमा लियुबदिया लहुमा माऊरिया मिन सौआती, वो दरख्त खिला करके उनको नंगा करना चाहता है। उसकी पूरी दिलचस्पी उनको नंगा करने से है, मगर अब वो बात तो कह नहीं सकते क्योंकि तो इंसान के नेचर के खिलाफ है, इंसान का नेचर पर्दादारी है। अगर वो साफ बात कहते तो हजरत आदम कैसे मानेंगे उस हबीस की बात, तो इंसान की फितरत और नेचर के खिलाफ है। तो वो बात जो उसकी दिलचस्पी की है वो तो कही नहीं और कही ये, और ये ऐसी बात कही कि हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिम सलातो व सलाम धोखा खा गए। ये कसम खाई वो कहा समूहमा इन्नी लकुम आलमिन नासिरीन, कसम खाकर कहा मैं तुम्हारी खैर खाही में तो बात बता रहा हूं, तुम्हारा बदखा नहीं हूं तुम्हारा खैर खा हूं। यहां से उन्होंने धोखा खाया और उसके चकमे में आ गए और मुअय्यन दरख्तों को खाया, क्या चखा, जरा सा चखा, बस जन्नत का लिबास सर देकर उतर गए और दोनों नंगे हो, तो जो चाहता था वो हो। फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान दोनों को ऊपर से नीचे लटका लाया, वो अब थे जन्नत में पहुंच गए थे, डाउन कर दिया दोनों। फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ात अश्शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफिका यख्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत। बस वो दरख्त खाना तो बहुत दूर की बात है, चखा था, कलमा दोनों ने उस दरख्त को चखा तो दोनों के जन्नत का लिबास उतर गया और दोनों नंगे हो गए, जो शैतान चाहता था वो करके रहा। तो दादा और दादी ने जन्नत के दरख्तों के पत्ते ले लेकर के अपने बदन पर चिपकाने शुरू किए, नंगा पर छुपाने लगे, ये इंसान की फितरत है। इंसान शैतान की दिलचस्पी और इंसान की फिक्र दोनों का साथ साथ बयान है। यूं ही वो दरख्त चखा
जन्नत का लिबास उतर गया है। फलम्मा ज़ाक शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, जाहिर हो गई उन दोनों के लिए, दोनों के नंगा पे जाहिर हो गए, मादर जात नंगे हो गए। तब इंसान की जो फितरत है वो जाहिर हुई, वो तफ़ीक़ा। यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दोनों ने फौरन जन्नत के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते दरख्तों पे होंगे, ले ले करके उनको जोड़ जोड़ करके अपने बदन के नंगा पे कुछ छुपाना शुरू कर दिया। ये जो मैंने मजमून कहा था वो मजमून समझाया कि शैतान की दिलचस्पी इंसान को नंगा करने, और इंसान की फितरत अल्लाह ने पर्दे की बनाई है, पर्दा दाजे वाली फितरत बनाई है। ये मजमून यहां से समझ में आया। उसकी एक और मिसाल लो तो समझ में आएगा। शैतान का नेचर अकड़, और इंसान का नेचर तौबह तवाज़ो। जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने पूछा, मा मना का अल्लाह तस्जुदे इज़ अमरतु, जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो क्या कहा? अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं, मुझे आपने आग से पैदा किया है, आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी पैरों के नीचे पामाल है, आग ऊपर जाती है, आग जहां भी जलाओगे ऊपर जाएगी, माची सी जलाओ ऊपर जाएगी, दाएं बाएं नीचे नहीं जाएगी। आप वेल्डिंग कर रहे हो और कसरे कासिर से आग को नीचे करें तो अलग बात है, लेकिन अगर आग को आजाद छोड़ दोगे तो हमेशा ऊपर जाएगी, इसके नेचर में फितरत में उल्लू है। और मिट्टी कितना भी उड़ाओ और आकर फिर नीचे आकर जमीन पर गिरे, तो उसने यही अकड़ वाली बात कही, अना खैरुम मिन। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई, वो जन्नत में वो मुअय्यन दरख्त जिसके खाने से मना किया था, वो भूल हो गई, गलती हो गई, जल्लत हो गई, लग्जिश हो गई और खा ली। और अल्लाह की तरफ से निदाई, व नादाहुमा रब्बहुमा अलम अनहकुमा अन तिल्क शजरत, अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि आदम तुमने क्या कर लिया, मैंने तो दरख्त से तुम्हें मना किया। तो दोनों ने काला रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, दोनों ने कहा परवरदिगार हमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, रब्बना ज़लमना अन्फुसना, फौरन अपनी गलती का एतराफ किया है कि परवरदिगार हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अगर आप हमारे इस गुनाह को बख्श नहीं बख्शेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। यहां से मालूम है कि इंसान का नेचर क्या है, तो शैतान का नेचर क्या है। शैतान का नेचर है इस्तिकबार, घुमन करना, अकड़ना, और इंसान का, दादा दादी का, इंसान का नेचर है फिरोतनी, गलती का एतराफ करना, अल्लाह के साथ तरफ मुतवज्जो होना, रोना धोना और अपने गुनाह की माफी मांगना, ये इंसान का नेचर। मेरे भाइयों, ये समझने की बात है। आज कुछ बंदे हैं जो ये समझते हैं कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं, मगर फिर उस पर अड़े हुए हैं। ये शैतान का नेचर, ये शैतान वाला नेचर है, ये आदम अलैहिस्सलाम वाला नेचर नहीं। एक तो बंदा वो है कि जिसकी बिचारे की समझ में ही नहीं आया कि मैं रॉन्ग काम कर रहा हूं, ठीक है वो समझ में नहीं आया उसके, लेकिन वो बंदा जिसकी समझ में आ गया है कि मैं ये कर रहा हूं, ये रॉन्ग काम कर रहा हूं, और फिर भी वो उसके ऊपर इसरार किए हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो ये शैतान का नेचर है, आदम का नेचर नहीं है। आदम जाद में आदम का नेचर होना चाहिए, शैतान वाला नेचर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा था कि इंसान का जब अल्लाह ने एक फितरत बनाई है, पर्दे वाली फितरत बनाई है,
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب بھی مہیا کیے. چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اے آدم زادو، آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا. اور تین درجوں میں لباس کو تقسیم کیا ہے. یواری سوآتکم، ایک لباس تو وہ ہے جو تمہارے ننگاپے کو چھپاتا ہے. ننگاپا کہاں سے کہاں تک ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ناپ کے نیچے سے، ناپ ننگاپے میں نہیں ہے، ناپ کے نیچے سے، یعنی بہت نیچے سے نہیں، جسٹ ناپ کا آخری کنارہ، وہاں سے گھٹنے کے نیچے تک، یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ننگاپا ہے. اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک ناپ کے نیچے جہاں سے بال اگنے شروع ہوتے ہیں وہاں سے ننگاپا شروع ہوتا ہے، اور رانے ننگاپے میں نہیں. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک گھٹنے ننگاپے میں نہیں. یہ فقہا کی اپنی رائے ہیں. اس ملک میں بہت سے مرد، بلکہ عورتیں بھی سب مالکی ہیں، اتنے یہاں تک پہنتے ہیں، رانے کھلی ہیں، رانے ننگا پائی نہیں. تو اور گھٹنوں کو تو مسجد میں ایسے نوجوان چڈیاں پہن کر آ رہے ہیں کہ گھٹنے دکھ رہے ہیں. وہ سب چاہتی ہیں ان کے یہاں گھٹنے ننگا پائی. اس لیے میرے بھائیو سمجھو، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک مزاج ہے کہ تمام روایات لے کر جو احتیاط والا پہلو ہے وہ امام اعظم طے کرتے ہیں. اس لیے امام اعظم نے ناپ کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ننگا پا طے کیا کہ یہ ننگا پا. ایک لباس تو وہ ہے جو یہ ننگا پا چھپاتا ہے، یواری سوآتکم، یہ لباس کا فرض کا درجہ ہے. اتنا بدن تو بہرحال چھپانا ہے، نماز پڑھے گا مرد تو بھی چھپانا ہے، نماز کے علاوہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو بھی یہ چھپانا فرض ہے. بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ تنہائی میں بھی فرض ہے. ننگا پے کا جو یہ حصہ ہے، آدمی گھر میں تنہا ہے، بیوی اور بیوی کے ساتھ معاملات اسے ایکسپٹ کرو، وہ الگ، اس کے احکام الگ. آدمی گھر میں تنہا ہے تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تنہائی میں بھی وہ ننگا پے چھپانا فرض ہے. اتنا حصہ کھولنا جائز ہی نہیں. قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے جو لباس پیدا کیا ہے اس کا ایک حصہ ہے یواری سوآتکم. دوسرا لباس اللہ نے پیدا کیا ہے زینت، پرندوں کے لیے، پروں کی جو حیثیت ہے انسان کے لیے لباس کی وہی حیثیت. کبوتر ہے، پر ہو، کتنا شاندار پرندہ معلوم ہوگا، اور سارے پر اکھاڑ دو تب بھی کبوتر تو کبوتر ہے، مگر کتنا بھونڈا معلوم ہوگا. تو اسی طریقے پر سے لباس کا ایک دوسرا درجہ ہے جو آدمی کو مزین کرتا ہے. یہ لباس جب آدمی گھر سے نکل کر کے پبلک لائف میں آئے، لوگوں کے سامنے آئے، تو اب آدمی کو مزین ہو کر آنا ہے. مزین ہو کر آنے میں لنگی یا پاجامہ تو ہے ہی، اوپر بنیان یا کرتا پہنو. اور شاندار، جیسے اس بندے ہیں، ٹوپی والوں کو رہنے دو، بغیر ٹوپی والے بھی بندے ہیں، وہ دو کپڑے پہن کر کے شاندار مزین ہو کر پبلک لائف میں آتے ہیں، ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھلا آدمی ہے. تو ایک لباس کا یہ دوسرا درجہ ہے. جو پرندے کے لیے پر وہ کام کرتے ہیں وہ لباس کا ایک دوسرا درجہ ہے. ظاہر ہے کہ کرتا پہننا ضروری نہیں ہے،
नंगापा छुपाना जरूरी है, लेकिन बगैर कुर्ते के कोई रोड पर नहीं आता, कोई शॉप में नहीं पहुंचता, क्योंकि कुर्ते के बगैर भूंडा मालूम होता है आदमी। और दोनों कपड़े पहन करके आदमी आए तो शानदार लिबास में मुजयन होकर के आएगा। तो लिबास का दूसरा दर्जा है वरीशन, और लिबास का तीसरा दर्जा है लिबास तक्वा, परहेजगारों वाला लिबास। अल्लाह के बंदे तरह तरह के हैं, उन बंदों में कुछ बंदे अल्लाह के परहेजगार बंदे हैं, अल्लाह के परहेजगार के बजाय एक और नेक बंदे। नेक बंदे जो लिबास पहनते हैं, ये लिबास तीसरे दर्जे का लिबास है। वो लिबास तक्वा, फिर कुरान ने कहा जालिक खैर, ये जो परहेजगारों वाला लिबास है ये वेरी गुड, ये तीसरा जो लिबास है वेरी गुड। पहले दो के लिए कोई लफ्ज नहीं आया, क्योंकि नंगापा छुपाने वाला लिबास वो तो फर्ज है, रीश वाला लिबास जो है मुजयन होने वाला लिबास पहनो पहनो, लेकिन जो लिबास का तीसरा दर्जा है बुजुर्गों का लिबास, उसके लिए अल्लाह ने फरमाया जाले का खैर, ये बहुत शानदार लिबास है बुजुर्गों वाला लिबास। बुजुर्गों वाला लिबास कहने के बजाय परहेजगारी का लिबास क्यों कहा? लिबास तक्वा कहा, लिबास मुत्तकीन नहीं कहा। लिबास तक्वा इसलिए किया कि अगर मुत्तकियों वाला लिबास पहनोगे तो परहेजगार नेक साले बंदे बन जाओगे। ये लिबास इंसान को नेक साले बनाता है। याद करो फिरौन ने जब मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का मुकाबला करवाया था और मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब हुए थे, जादूगर नाकाम हुए थे, सारे जादूगर मुसलमान हो गए। वजह क्या थी? मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि वो जादूगर हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम वाला लिबास पहन कर आए। उस लिबास की बरकत से अल्लाह ताला ने उस मैदान में तमाम जादूगरों को दौलत ईमान से नवाज दिया और किसी को ईमान नहीं मिला, सिर्फ उन जादूगरों को ईमान मिला उस लिबास की बरकत। तो लिबास तक्वा इसलिए कहा कि परहेज सालेहीन का लिबास पहनोगे, नेक लोगों का लिबास पहनोगे तो तबीयत में सलाह और तक्वा और परहेजगारी पैदा हो। देखो नाराज न हुई हो, मैं मिसाल दूं, कोट पतलून और सर खुला कंघी कर रखी है, अगर 1000 साल तक भी ये लिबास पहनोगे साले नेक बंदे नहीं बन सको। और वो तजर्बा करके देखो, ये कोट पतलून और खुले सर वाला जो लिबास है जो यूरोप की तहजीब और फैशन कहलाता है, ये फैशन वाला लिबास 100 साल पहनो, 100 साल पहनने के बाद भी तुम्हारे दिल में तक्वा और परहेजगारी के जज्बा पैदा नहीं होंगे। और नेक बंदों का लिबास है, एक साल पहनकर देखो, बहुत लंबा वक्त में नहीं कह रहा, ये नहीं कि ऑफिस में गए तो कुछ और पहना, मस्जिद में आए कुछ नहीं, 24 घंटे, एक साल 24 घंटे ये नेक बंदों वाला लिबास पहन करके पाबंदी करके एक साल पहन के देखो और फिर अपने दिल का हाल देखो। ये तो एक्सपीरियंस तजर्बा करो, जिसका जी चाहे तजर्बा करे। ये जो फैशन वाला लिबास है कोट पतलून और खुले सर, अगर 100 साल पहनोगे तुम्हारे दिल में तक्वा और परहेजगारी के जज्बात कभी पैदा होंगे ही नहीं। और ये सालेहीन का लिबास सिर्फ एक साल, ज्यादा नहीं, एक साल पाबंदी से रात दिन 24 घंटे वही लिबास पहन करके तुम रहो, देखो तुम्हारे दिल की हालत बदलती है, कैफियत बदलती है। तो लिबास तक्वा कहा, लिबास मुत्तकीन नहीं कहा। क्यों? मुत्तकियों वाला लिबास पहनने से दिल में तक्वा पैदा होता है। इसलिए फरमाया कि तीसरा जो लिबास हमने पैदा किया है वो परहेजगारी वाला लिबास पैदा किया। और फिर कहा कि वो जो पहले दो दर्जे हैं लिबास के, उसके साथ कोई तारीफी लफ्ज नहीं आया, और इस तीसरे लिबास के साथ तारीफी लफ्ज आया कि जालिका खैर, ये जो तीसरा लिबास है वेरी गुड। देखो मेरे भाइयों, यहां रुक करके एक मसला अलग कर लेना चाहिए,
धोखा नहीं होना चाहिए। वो मसला ये है कि आदमी को कैसे लिबास में नमाज पढ़नी चाहिए, ये अलग मसला है। इस आयत से उसका कुछ ताल्लुक नहीं, और उसके लिए इसी रोकू में आगे जाकर मुस्तकिल आयत आई है, खुजू ज़ीनतकुम या बनी आदम, पढ़े हुए या बनी आदम, जी या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ये आयत इसी रुकू में आगे जाकर आई है, और इसमें वो मसला है कि कैसे कपड़ों में नमाज पढ़नी चाहिए, ये एक अलग मसला है, और ये लिबास का अलग मसला है, दोनों में खल्त नहीं होना चाहिए। कुरान ने कहा जब भी तुम नमाज पढ़ो तो ब्यूटी ले लो, अपनी ब्यूटी ले लो, जीनत ले लो। एक साहिब हमेशा अपनी बीवी को लेकर मस्जिद में आते थे, अकेले कभी नहीं आते। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम बीवी के बगैर कभी क्यों नहीं आते मस्जिद में, कहने लगे अल्लाह का हुक्म है बीवी को लेकर आओ। अरे भाई कहाँ हुक्म है, उन्होंने आयत पढ़ी खुदू जीनत, तुम उनकी बीवी का नाम जीनत था। इसीलिए फिका की किताबों में ये मसला लिखा है कि सौबे महनत में नमाज मकरूह। महनत मीम छोटी हा नून और गोल का, नौकरी के कपड़े, नौकरी वाले कपड़ों में नमाज मकरूह। जब आदमी ऑन ड्यूटी होता है और मशीन चला रहा है, खेत में काम कर रहा है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा है, तो जो ज्यादा से ज्यादा गंदे कपड़े होते हैं वो पहनकर ड्यूटी पर जॉब पर जाता है, फिर जॉब पूरा होता है तो कपड़े निकालता है, दूसरे कपड़े पहन करके फिर घर जाता है। तो ये जो जॉब के कपड़े हैं उनमें नमाज पढ़ना मकरूह है, ये फिका की किताबों में लिखा है। सौबे महनतुन, नौकरी वाले जॉब वाले कपड़ों में, क्यों जॉब वाले कपड़ों को जीनत कौन कहेगा, ब्यूटी वाले कपड़े थोड़े ही। तो बहरहाल ये मसला अपनी जगह पर वहां अलग आया है कि नमाज कैसे कपड़ों में पढ़नी चाहिए, और इस वक्त जो आयत मैं समझा रहा हूं वो लिबास के ताल्लुक से है, नमाज के ताल्लुक से नहीं है। लिबास के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने तीन तरह का लिबास पैदा किया है, एक वो लिबास है जिससे आदमी नंगा पा छुपा है, एक वो लिबास है जिससे आदमी पहनकर मुजयन होकर पब्लिक लाइफ में आए, और वो जो मुजयन होकर पब्लिक लाइफ में आता है वो फैशन वाला भी लिबास हो सकता है और परहेजगारों का लिबास भी हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया कि परहेजगारों वाला लिबास ये वेरी गुड है। फरमाया दालिक मिन आयात अल्लाह लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ये लिबास लालिका का मुशारों ने ले लिबास, ये तीन दर्जे लिबास के हैं, ये लिबास अल्लाह की निशानियों में से, ताकि तुम्हें याद आए कि शैतान ने तुम्हारे दादा दादी के नंगा पे तक को खोल दिया था और सारे कपड़े उतरवा दिए थे, लिहाजा तुम शैतान ने जो तुम्हारे दादा बाप के साथ और माँ के साथ किया है वो शैतान तुम्हारे साथ न करने पाए। ये जो लिबास के तीन दर्जे हैं उनमें से किसी दर्जे के अंदर रहो, इस दर्जे से बाहर मत जाओ कि सारे नंगे होकर रह जाओ, तुम्हारे दादा दादी के साथ शैतान ये कर चुका है, और हमने ये तीन तरह का लिबास इसलिए उतार पैदा किया है ताकि शैतान तुम्हारा भी यही हाल न करके रख दे। ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون, ये अल्लाह की निशानियों में से, ये यानी लिबास अल्लाह की निशानियों में से, ताकि तुम्हें याद रह आए कि तुम्हारे दादा दादी के साथ शैतान ने क्या किया। फिर उसी मजमून को अल्लाह ताला खोलकर बयान फरमाते हैं, फरमाते हैं या बनी आदम ला यक्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यंज़ु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। अय आदम जादो, आदम की औलादो, इसमें सिर्फ मर्द नहीं औरतें भी इसमें आ गई,
शैतान तुम्हें फितने में मुबतला न कर दे। ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें आजमाइश में फितने में न डाल दे। तुम्हारे दादा दादी को फितने में डाला, क्या किया? जन्नत से गेट आउट करवाया, तुम्हें जन्नत में जाने ही नहीं दे। जब तुम पर शैतान का दाव चलेगा तो वो तुम्हें जन्नत से महरूम कर देगा, जन्नत में जाने ही नहीं देगा। तुम्हारे दादा दादी पहुंच गए तो उन्हें गेट आउट करवाया, तुम्हें वो जाने के काबिल नहीं रखते। तो कहा या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें फितने में मुब्तिला न करे। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नत, ये जैसे तुम्हारे दादा माँ बाप को जन्नत से उसने निकाल दिया। और यंजिवानहुमा लिबासहुमा, उन दोनों से कपड़े उतरवा दिए। लियुरियहुमा सौआतहुमा, ताकि वो एक दूसरे का अपना और एक दूसरे का नंगापा देखें। फरमाया कि इन्नहू यराकुम हुवा व कबीलुहू मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक शैतान और शैतान के लश्कर केले चाटे तुम्हें देखते हैं ऐसी जगह से कि तुम उनको नहीं देख रहे और वो तुम्हें देख रहे। इन्नहू यराकुम हुवा व कबीलुहू मिन हैसु ला तरौनहुम, देखो उसका कबील लफ्ज आया, शैतान के केले चाटे पार्टी, शैतान की पार्टी में इंसान भी होते हैं। आज ही हमारे हाफिजों ने आयत पढ़ी है, शयातीन जिन्न वल इंस यूही बाहुम यला बाहुन जुखरुफल कौल गुरूर, इंसानों में भी शैतान है, जिन्नात में भी शैतान है, और एक दूसरे को चिकनी चिपड़ी बातें इशारे करते हैं, वहियां भेजते हैं। बस अगर आदमी नंगा है तो वो शैतान, जिन्नात वाले शैतान तो देखते ही हैं, खुद इंसान शैतान जो है, जो सड़कों पर चल रहे हैं, ड्राइविंग करते जा रहे हैं, एक औरत फुटपाथ पर नंगी आधी नंगी जा रही है, वो ड्राइविंग भी कर रहा है, उसे देख भी रहा है, ये शैतान की पार्टी के लोग हैं। तो कोई इंसान नंगा होकर निकले क्यों? ताकि शैतान को देखने का मौका ही न मिले। आदमी नंगा होकर निकलेगा तो ही तो शैतान को देखने का मौका मिलेगा। तो फरमाया कि देखो तुम्हारे बाप अब्बा और अम्मी के साथ शैतान ने क्या किया है, जन्नत से निकलवा दिया, तुमको फितने में डालेगा, तुम्हें जन्नत में जाने के काबिल ही नहीं छोड़ेगा। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नति यन्ज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। फिर कुरान ने कहा एक कायदा बनाए, इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, शैतान किसके रफीक है? शयातीन रफीक होते हैं बेईमान लोगों के, जो लोग बेईमान हैं शयातीन उनके रफीक हैं, फ्रेंड हैं। तुम अल्लाह पर ईमान लाने वाले बनो, अल्लाह के दीन पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ, कुरान और हदीस पर ईमान लाओ, शैतान तुम्हारे करीब नहीं फटक सकता। और अगर बेईमान बनोगे तो शैतान तुम्हारा रफीक बन जाएगा, तुम्हारा फ्रेंड बन जाएगा। और जिसका शैतान फ्रेंड बन गया उसके लुटिया डूबी, उसका बेड़ा गर्क होगा। लिहाजा शैतान से दूर रहना है तो ईमानदार बंदे बनो। मशहूर हदीस है कि जब आप बैतुल खला जाएं तो बिस्मिल्लाह ये कहकर बायां पैर बैतुल खला में रखें, बस बिस्मिल्लाह कहकर बैतुल खला में गए तो हदीस में है कि इंसान के नंगा पे और जिन्नात की आंखों के बीच में पर्दा पड़ जाता है। सिर्फ बिस्मिल्लाह, क्या कहने में क्या परेशानी, कोई लंबी चौड़ी दुआ तो नहीं, बस सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर कदम रखो बैतुल खला में। ये हदीस है तिर्मिजी शरीफ में किताबुस्सलाह के बिल्कुल आखिरी अबवाब में यह हदीस है। एक दूसरी दुआ है जो सभी मुसलमान जानते हैं और पढ़ते हैं, वो अलग हदीस है,
ये दूसरी अलग हदीस है कि आप सिर्फ बिस्मिल्लाह कहकर बैतुल खला में जाएं तो इंसान की शर्मगाह और जिन्नात की, जिन्नात यानी शयातीन की निगाहों के बीच में पर्दा पड़ जाता है। अब वो उसकी जो इंटरेस्ट था इंसान को नंगा देखना, जो उसकी दिलचस्पी थी, वो उससे मालूम हो गई। बहरहाल इंसान को हमेशा कोशिश करनी है कि शैतान पर्दा दरी के रास्ते से, पर्दा दरी ये फारसी गला, दरी दरी माने फाड़ना, पर्दा दरी पर्दा फाड़ दिया, पर्दा फाड़ दिया तो नंगा हो गया। और एक है पर्दा दारी, पर्दा दारी के माने पर्दा करना, पर्दा लटका दिया, पर्दा लटका दिया तो पीछे की सब चीजें छुप गई। तो उर्दू के दो लफ्ज हैं, एक पर्दा दारी और एक पर्दा दरी। शैतान इंसान की पर्दा दरी करना चाहता है, उसको मौका मत दो। और उससे बचने का रास्ता सिर्फ ईमानदार बंदा बनना है। जो लोग बेईमान हैं, शैतान उनके फ्रेंड्स हैं, रफीक हैं, लिहाजा वो पर्दा दरी चाहता है, उसको मौका मत दो। पर्दा दारी से, पर्दा दारी अपनाओ, नंगे होने से बचो, जहां तक मुमकिन हो अपने आप को, अपने बदन को छुपाओ। नाप से घुटने तक का बदन, ये बदन कभी जाहिर नहीं होना चाहिए। तन्हाई में भी किताबों में लिखा है कि तन्हाई में भी फर्ज है, नंगा होना जायज नहीं। जरूरत, जैसे जनोशोई के मामलात हैं, वो जरूरत है, जरूरत क्या काम अलग है। आखिर बैतुल खला आदमी जाता है तो लुंगी खोलता ही है, वो एक जरूरत है। इसी तरीके पर वहां भी जरूरत है। देखो मैंने मसला बतलाया था कि बैतुल खला में बिस्मिल्लाह कहकर जाएगा तो पर्दा पड़ जाएगा, फिर अब शैतान नहीं देखे। ऐसे ही जब आदमी बीवी से मिलना चाहे, मियां बीवी मिलते हैं तो अगर दुआ पढ़ ले, दुआ आई है अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबना बिस्मिल्लाह, उसके शुरू में भी बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबना रज़क़तना मिन शैतान, तो फिर मियां बीवी मिलेंगे, शैतान नहीं देख सके। जैसे बैतुल खला में बिस्मिल्लाह कहकर जाने से पर्दा पड़ जाता है, ऐसे सोहबत करने से पहले बिस्मिल्लाह कह लो, पर्दा पड़ जाएगा, फिर शैतान नहीं देख सकते। बहरहाल आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या, खुलासा जहन में लाओ, शैतान की दिलचस्पी, शैतान का पूरा इंटरेस्ट इससे है कि इंसान को नंगा कर दे। मादरजाद नंगे तक ले जाता है, काफिरों को नहीं देखते, मर्दों को औरतों को मादरजाद नंगे तक ले जाता है, उसकी दिलचस्पी है। और इंसान का नेचर, अल्लाह ने पर्दा दारी वाला बनाया, पर्दा दारी, वो पर्दा रखना चाहता, अपने जिस्म का पर्दा रखना चाहता। और जब इंसान का ये नेचर है तो अल्लाह ने उसके नेचर की तकमील के लिए सामान पैदा किया है, लिबास पैदा किया है, तीन दर्जों का लिबास है, एक नंगापा छुपाने वाला नहीं, दूसरा आदमी मुजरियन होकर पब्लिक लाइफ में आए तो सब लोग कहे भाई बहुत अच्छा आदमी, भला आदमी, और तीसरा परहेजगारी वाला लिबास, परहेजगार बंदे जो लिबास पहनते वो लिबास पहनो, ये वेरी गुड लिबास है। ये अल्लाह ताला ने आज की इन आयत में मज़मून बयान फरमाया है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 5-10 मिनट ज्यादा ले लिए, मज़मून ही ऐसा चल रहा था तो रुका नहीं गया, माफ करना। कुछ आया है कोई खाने का? रस मलाई। हजरत का प्रोग्राम इंशाल्लाह 16 तक है, तरावी के बाद तो आप हजरत दूसरों को भी दावत दें और सब भी रोजाना तशरीफ ले आए। Okay.